हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त और मेरा नाम है अनु। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे हरी चटनी वाला आलू का भरता, और वो भी सिलबट्टे पर पिसा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। भरता बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने आलू बॉईल किए हैं। आलू को हमने 2 सीटी में बॉईल किया है। 2 सीटी होने के बाद अपने सारे आलूओं को हम निकाल लेते हैं कुकर में से। सारे आलूओं को हमने निकाल लिया है। अब हम अपने आलूओं को छील लेते हैं। आलूओं को हमने छील लिया है। अब देखते हैं अपनी चटनी के लिए सामग्री। तो हमने लिया है कुछ धनिया, हरी मिर्ची और नमक। अब चलते हैं अपने सिलबट्टे की ओर। तो सिलबट्टे को हमने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और मैं मिर्ची को तोड़ रही हूँ। चटनी बनाने से पहले आप मिर्ची को चेक कर लीजिएगा कि वो कितनी तीखी है। मेरी मिर्ची कम तीखी है तो मैं मिर्ची का उपयोग ज़्यादा कर रही हूँ। चटनी के लिए आप मिक्सी का उपयोग भी कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ सिलबट्टे का उपयोग क्योंकि हमारे यहाँ पर मिक्सी नहीं है। सिलबट्टे पर बनाई हुई चटनी या भरता बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। जब भी चटनी खाने का मन करता है हम सिलबट्टे के ऊपर चटनी बना लेते हैं। आई नो सिलबट्टे पर चटनी पीसने में बहुत टाइम लगता है, पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मिक्सी में चटनी जो है वो जल्दी पिस जाती है, उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। चटनी हमारी अभी मोटी है, इसको हम अभी बारीक और कर लेते हैं। चटनी हमारी बारीक हो गई है। अब इसमें हम अपने आलूओं को ले लेते हैं और आलू को तोड़ लेते हैं। सभी आलूओं को हमने ले लिया है और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चटनी के साथ आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। एक चम्मच की मदद से मैं अपने सभी भरते को एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी भरता रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। अब चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। तो आपको हमारी हरी चटनी भरता रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।